अपनी नई जिंदगी में बहुत बिजी हो गई अपने नई बीवी के साथ कि एक बार भी अपने बच्चे और उसके माँ के बारे में नहीं सोचा। हमेशा मुझे इंसल्ट करते रहते, तो मैं भी क्यों रखूं तुम्हारे साथ कोई एसोसिएशन? अरे बच्चे की माँ हूं लेकिन नो रिस्पेक्ट फॉर शकुन, हमेशा गलत, वो एक बुरी माँ, वो कभी कुछ सही नहीं। और तुम, तुम्हारी ये हरकतें और नाटक क्या ये बच्चों पर बुरा असर नहीं करते? जब आदि को पता चलेगा कि उसके पापा ने उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, तो कैसा लगेगा उसे? थैंक यू कि तुमने मुझे याद दिलाया। ठीक है मैं भूल गया, मान, लेकिन दोबारा कभी मत कहना कि मैं आदि से प्यार नहीं करता। तुम जानती हो कि आदि की मेरी जिंदगी में क्या मायने, मेरा पहला बच्चा है। आदि की हर बात याद, जब तुमने मुझे बताया कि आदि पैदा होने वाला है, मैं जानता हूँ कितना पागल हो गया था खुशी। तुम्हें 9 महीने पैम्पर किया था मैंने, तुम्हारी हर जिद पूरी की थी। तुम्हें याद दिल्ली की सर्दी में हम कुल्फी खाने गए, रातों को उठ उठ कर तुम्हें जो चाहिए था सब ला कर दिया था मैंने, सिर्फ आधी की। जब वो पैदा हुआ था ना, तब मुझे मालूम नहीं था कि कोई इंसान इतना भी खुश हो सकता। मुझे लगा था कहीं मेरा मेरी जान ना चली जाए खुशी। आदि का हर एक पल मुझे याद है, जब उसने पहली बार आंखें खोली, जब उसने बात पहली बार मेरी ये उंगली थामी थी, उसका पहला कदम, उसका पहला शब्द, क्योंकि वो सारे पल आदि के नहीं मेरे थे। मेरा बेटा है बाप हूँ उसका, क्योंकि एक सच ये भी है शक कि अब शायद मुझे पाप बनने का दर्जा और किसी से नहीं मिल सकता। इसलिए ये मत कहना कि मैं आदि के लिए अच्छा बाप, आदि से बहुत प्यार करता। वेल डन रमन, यही तो मैं चाहती थी। इशिता को वो यादें दिखा दी जो सिर्फ मेरी है, ऐसी खुशियां जो वो तुम्हें कभी नहीं दे सकती। आज बड़े शौक से तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलती है, लेकिन वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। जो हो गया वो हो गया। I don't want these earrings. ये जो तुमने मुझे अपनी सबसे बड़ी खुशी मिल पर दिया, ये खुशियां कहीं खो गई। हरू अपनी नई बीवी को दे। शगुन प्लीज, ये मैंने तुम्हें दी थी आदि के पैदा होने पर। अब तक याद 54,640 रुपीज उधार लेकर तुम्हें दिए थे औकात से बाहर तक, क्योंकि तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया था। ये हमेशा से तुम्हारे से प्लीज पहन। लेकिन हमारा रिश्ता मिट चुका है, लेकिन वो खुशियों का एहसास नहीं मिटा जो तुमने मुझे दी। प्लीज पहन। और याद रखना शकुन, तुम्हारे साथ जो मैंने कल बताया था, उसकी यादें मिट चुकी हैं, उसकी खुशियां नहीं। उस खुशी का नाम आदि, आदि मेरा बेटा, आज भी मेरे लिए वही मायने रखता है जो कब रखता था। और जैसा कि हमने एक दूसरे से वादा किया, हम आदि को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। उसकी सेफ्टी के लिए आदि के इसे साइन कर दो प्लीज। हमें एनीवे हॉस्पिटल जाना है आदि के ब्लड टेस्ट के, वहां पर साइन करें। कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर कल हम वहां जाकर इसे पूरा करेंगे। एंड थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अंदर पार्टी में मन नहीं लग रहा था। तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब है, मैं पूरी पार्टी में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ आके बैठी। हाँ, आपको क्या लगा कि मैं घर चली गई? अकेले कैसे जाती? सब सवाल पूछते। और हाँ, रिक्शा भी तो नहीं ले सकती थी ना, क्योंकि ये पर्स सिर्फ दिखावे का है, ऐसे रखना भूल गई। हाँ तो मिस इंडिपेंडेंट चल के चली जाती ना,
तुम्हारे 2-4 ग्राम कम होते कोई आफत नहीं आ जाती उसमें? या फिर आती ही नहीं, क्योंकि आपके पुराने दोस्तों के बीच में एक नई बीवी की क्या जरूरत है? अभी बेकार के टॉन्ट क्यों मार रही हो? क्यों, सिर्फ आप ही को हक है अपनी बीवियों की इंसल्ट करने का? तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? बीवियों की इंसल्ट मत। अब समझ, तुमने मेरी और शगुन की बातें सुनी? आप समझ नहीं सकते इस बात को। अब आदि के पापा हैं, बहुत प्यार करते हैं आप उससे, और जो खुशियां आपको आदि से मिली है आपको दोबारा कभी नहीं मिल सकती। लेकिन रमन, अगर आपको वो खुशियां दोबारा चाहिए ही थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपके तो आपके सामने सब साफ था। उस बात का ये मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब हो सकता था? रमन, आपकी एक एक बात सच थी। रमन, मैं कभी किसी को खुशियां नहीं दे सकती वो वाली। आई कैन नॉट बी अ मदर, मैं भी माँ नहीं बन सकती हूँ। और मेरी जिंदगी में अब तक जो भी आया है उसे इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे, मजबूरी में ही सही। लेकिन रमन, ये सारे मेरे इश्यूज हैं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हक नहीं है कोई कि आपसे एक पिता होने का हक छीन लूं मैं। आपसे आपकी खुशियां छीनने का हक नहीं है मुझे। और इसीलिए मैं आपके और आदि के बीच कभी नहीं आऊंगी। अपने आप को बहुत समझदार समझती हो, ऐसी बेवकूफी की बातें क्यों करती? चेतन, तुम मेरे और आदि के बीच कभी नहीं आ सकती। आदि अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। रही बात उस शकुन की, तो वो मेरे लिए सिर्फ आदि की माँ है और कुछ नहीं। You sure about it? What kind of a question is that? Obviously, I'm sure. फिर मैंने आपको और शगुन को साथ में देखा है। मैं देख सकती हूँ कि आपके दिल में शगुन के लिए कितना गुस्सा है। वो लोग कहते हैं ना कि गुस्सा ना सिर्फ अपनों से किया जाता है, आप लोग गुस्सा ना एक इमोशन होता है, और प्यार और नफरत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। सिर्फ वहम है मेरा? फिर भी आप इतना अफेक्ट होते हो शगुन से। तो आपकी बीवी नहीं है रमन, फिर भी आप जब उसे डांटते हो उसी हक के साथ डांटते हो। अच्छा आप बताओ, शगुन आपके लिए सिर्फ आदि की माँ है तो फिर वो इज्जत डिजर्व करती है, ताने नहीं। अगर आपकी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो आप उसके लिए अपने दिल में कोई नफरत भी मत रखो, कोई प्यार मत रखो, कोई गुस्सा मत रखो, कोई कोई फीलिंग्स, कोई एहसास मत रखो ना रमन। तुम क्या हो? यू अमेज मी। उस औरत शगुन ने रत्ती भर तक तुम्हारा भला नहीं सोचा आज तक, और तुम चाहती हो कि मैं उसकी इज्जत करूं? होश में आ जाओ। What is wrong with you? रमन, प्लीज मजाक मत करो, कि मैं यहाँ बहुत सीरियस हूँ। हम सिर्फ शगुन की बात नहीं कर रहे, आपके बच्चों की भी बात कर रहे हैं। आज आप आदि की इतनी इम्पोर्टेंट डेट भूल गए, गलत बात है। पर मुझे नहीं पता इस डेट के बारे में, ये उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। मैं रूही की माँ बन के आई थी आपकी लाइफ में, राइट? रूही से जुड़ी हर चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। उसका भाई, उसके पापा, सब मुझसे रिलेटेड है। रमन, अगर आप ये डेट भूले, मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको याद दिलाऊं, पर मुझे पता भी नहीं था। एंड दैट्स बैड।
बहुत बातें। मैंने सोचा है कि अब से हमेशा हम आदि और रूही को लेके कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। कुछ भी हो जाए, उनकी कोई खास डेट हो या कोई भी खास बात उनसे संबंधित, हम दोनों हमेशा याद रखेंगे। क्या नहीं कर सकते? ओके, ठीक। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस।